Y el piche malandro y son caretas y son. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम लगाएंगे सब्ज़ियों के पौधे और कुछ पुरानी सब्ज़ियों के विज़िट भी करेंगे जो हमने पहले लगाई थी। और ये जो बीज लगाने वाला हूँ ये पहले भी लग सकते थे लेकिन मैंने अभी लगाए हैं, मेरे पास पड़े हुए थे फालतू में, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, वैसे फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो चलते हैं व्लॉग शुरू करते हैं। तो जी अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये मेरे पास कुछ बीज पड़े हुए थे पालक के, जो कि मैंने जो है वो फरवरी के महीने में मंगाए थे। और आज मैं वॉइस ओवर जो है कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वीडियो में अकेला था और साथ में कोई था नहीं बनाने वाला, और यहाँ पे मेरा देखें कैमरा भी जो है वो सेट नहीं हो रहा था, मेरा मोबाइल जो है वो बार बार गिर रहा था। तो यहाँ पर जो है वो मैंने क्यारी बनाई थी और यहाँ पर जो है अभी मैं पालक के जो बीज है वो जो है वो ज़मीन में बो रहा हूँ। पालक आप चाहे ज़मीन में बो भी दें तब भी लग जाते हैं, और आप ज़मीन के ऊपर मतलब कि ज़मीन तैयार करके ऊपर भी फेंक जाए ना तो फिर भी वो जो है वो पालक जो है वो लग जाती है। और बहुत ही क्या नाम है इजी वे होता है पालक, मैं आपको बताऊं तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर जर्मिनेट हो जाती है, ये बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं लेती बाकी सब्ज़ियों की तरह। और ये सबसे जल्दी उगने वाली मेरी अंदाज़े में जो है सब्ज़ी है, क्योंकि मैंने जितनी भी लगाई हैं सबसे जल्दी जो उगी है वो पालक ही है। मैंने एक घर में एक मेरे जो है वो बर्तन वाला मतलब के खाने वाली डिश थी उसमें मैंने इसको लगाया था मिट्टी थोड़ी सी डाल के, और ये तकरीबन 3 से 4 दिन में जो है इसने जड़ निकाल दी थी, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 7 दिन लेती है। और यहाँ पे भी अभी इसको आज मैंने लगाया है और मैं इसको अभी डेली पानी भी दूँगा, फिर मैं देखूँगा कि ये कितना टाइम लेती है। यहाँ पर पालक के बीज लग चुके हैं, और ये मेरे पास कुछ और फालतू बीज थे जो मैंने जो है वो फरवरी में मंगाए थे और कुछ घर में लगाए थे जो कि गर्मी की वजह से फिर सत्यानाश हो गए। यहाँ पे जी अभी मेरे पास मिर्च के बीज हैं, ये मैं मिर्च लगाने वाला हूँ, F1 बीज हैं ये, F1 जो है क्वालिटी के। और बीज आपने कुछ इस तरह लगाने हैं कि थोड़ी सी जो है वो आपने मतलब कि उंगली से भी काट सकते हैं और किसी लकड़ी की मदद से भी आपने खुदाई कर लेनी है, मतलब उतनी नहीं, थोड़ा सा आपने करना है। उसमें बीज डाल के थोड़ी थोड़ी मिट्टी, इतनी मिट्टी डाल दें कि बीज जो है वो नज़र ना आए, मतलब कि ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी क्योंकि फिर वो उसने आना ही नहीं है। और ये मेरे पास थोड़े से धनिया के बीज थे, जैसे मैंने मिर्च के बीज लगाए हैं वैसे ही मैं ये वाले बीज भी जो है वो लगा दूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह बिल्कुल इजी वे से ये मेरे मिर्च के बीज जो है और साथ में धनिया के भी बीज जो हैं वो लग चुके हैं। ये थे मेरे पास टेंडे के बीज जो कि हम बिल्कुल भी खाते ही नहीं हैं, लेकिन ये मैंने जो ऑर्डर किए थे उसमें ये भी थे। ये हैं घिया तोड़ी के बीज जो कि मेरे पास ज़मीन में, अभी मैंने सोचा नहीं था कि मिलेंगे लेकिन ये मिल गए हैं। और ये मैं ऐसे ही लगाने वाला हूँ, मतलब मेरे पास जो मिर्च थी ना मैं उसी मिर्च के जो मैंने क्यारी बनाई है उसी में ये थोड़े थोड़े लगा दूँगा। अगर तो ये उग जाती है तो ठीक है, नहीं उगती तो भी कोई मुश्किल नहीं है। मैंने बस तजुर्बा करना है, ये देखना है कि मई के महीने में इतनी सख्त गर्मी में भी बीज जो है वो कितने मिनटों मतलब कितने दिनों में उगते हैं। तो अब मई की जो है वो तकरीबन आज मैं जो है वो 23 हो चुकी है, और ये समझ लें कि इंतहा की गर्मी पड़ रही है। और ये मैं भी टेंडे के बीज मैंने क्यारी बनाई हुई थी, ज़मीन यहाँ पे साफ़ की है, यहाँ पे मैं भी टेंडे के बीज जो है वो टिंडे भी कहते हैं, टेंडे हम पंजाब में कहते हैं, इस वजह से मेरे मुँह से टेंडे निकल रहा है। तो टिंडे जो है वो हम खाते तो नहीं हैं लेकिन अगर उग जाते हैं तो बंदा उन लोगों को दे देता है जो खाते हैं, मेरे कई रिलेटिव हैं जो खाते हैं बंदा। चलो एक शौक़ है मेरा सब्ज़ियाँ उगाने का, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने इसको भी जैसे घिया तोड़ी लगाई है, ये वैसे मेरी जो है वो धनिया जिसमें मैंने उगाया वो वाली क्यारी है, इसके बीच में ऐसे ही डाल रहा हूँ, इसके ऊपर मैं मिट्टी फेंक दूँगा। और अगर इसने उगना हुआ तो उग जाएगा क्योंकि फ़िलहाल मैं इस पर कोई इतनी ख़ास मेहनत नहीं करूँगा, लेकिन पानी इसको मैं बराबर दूँगा, मुझे इनका लगाने का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मैं थोड़ी तो जो यूट्यूब पे शॉर्ट देखता रहता हूँ वो ही मैंने देखा है और वही देख के मैं जो है इसको भी लगा रहा हूँ। और यहाँ पर जी मेरे जो टींडे के बीज हैं वो भी लग चुके हैं, इनके ऊपर मैं अभी मिट्टी जो है वो स्प्रेड कर रहा हूँ। और देख सकते हैं आपके टींडे के जो पिंक कलर के बीज होते हैं गाजरी कलर के, यानी कि हाफ़ पिंक मतलब लाइट पिंक, और ये बिल्कुल भी मतलब कि ये मेरे पास जी NPK है 20 20 20,
और ये आपके पौधों, आपके ग्रोइंग वाले पौधों को भी अच्छे से जो है वो ग्रोइंग में हेल्प करती है। जो पौधे आपसे मतलब कि बहुत बड़े हो चुके हैं लेकिन फल नहीं देते, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो फल देते हैं और पकते नहीं हैं फल, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टिक ली है और ये मेरे पास मैंने फुल कैन काट लिया है। तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबल स्पून जो है खाने के वो मैंने इसमें NPK 20-20-20 फर्टिलाइज़र ऐड किया है और इसको भी अच्छी तरह से मैंने मिक्स भी कर लिया है। ब्लू कलर का ये हो जाएगा। इसका थोड़ा थोड़ा आपने डालना, इतना नहीं डालना हर एक पौधे में। ये मेरा अमरूद का पौधा है, इसमें इसका ये होगा कि इसमें कीड़ी पड़ गई है और ये कीड़ी ख़त्म हो जाएगी। साथ में इसकी जो ग्रोथ है रुकी हुई है और इसकी वजह से इसकी ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। ये मेरे पास अनार है, अनार मेरा है, इसकी ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इसका मतलब डाल ही देते हैं। अभी मैं मेरे पास ये सेकंड अमरूद है, इस पर भी ग्रोथ अच्छी है, बस कीड़ी जो ना पड़ जाए और ग्रोथ अच्छी हो जाए और ज़्यादा, इस वजह से मैं मेरे पास ये पड़ी हुई थी, मैंने कोई अभी ऑर्डर नहीं की। ये मेरे पास जो मेरी भिंडी के और मेरे जो बैंगन के पौधे हैं इन मैं थोड़ा थोड़ा मैं सब में डाल रहा हूँ ताकि पूरा हो जाए। ज़्यादा नहीं डालना, इससे आपके पौधे जो हैं वो सड़ भी सकते हैं और फिर उन्होंने उगना भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो केमिकल खादें होती हैं ना, ये नुकसान बहुत ज़्यादा देती हैं, फ़ायदा कम ही देती हैं। मैं तो जस्ट अपने पौधों की ग्रोथ के लिए काढ़ा था क्योंकि ये बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहे थे। ये मेरे पास करेले की बेल है और ये मेरे पास जो है हरी मिर्च की 2 बेलें हैं और मैंने जो भी नई हरी मिर्च लगाई है ना वो भी इधर ही लगाई है और ये जो मैंने वैसे ही लगा दिए। तो चलें अभी ये देख लें जी मेरे हवेली का सामने का मंज़र। वो सामने शबानों का घर है और ये भैंसें जो है वो तालाब में जो है वो नहा रही हैं, मज़े कर रही हैं। शाम का टाइम है और बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है जी, इतना अच्छा मौसम है मतलब कि हवा चल रही है, हल्का हल्की धूप भी है और सूरज ग्रूब होने वाला है और शाम का 5 का टाइम है फ़िलहाल। सूरज तो शाम 7 बजे ग्रूब होता है लेकिन सूरज जो है वो नीचे उतर चुका है। भैंसें देखें मौजें कर रही हैं जी ठंडे पानी में। तालाब का पानी ये होता है कि भैंसें हमारी जो ज़मीनों बेले से मतलब के चढ़ के आती हैं और यहाँ पे भैंसें हमारी चढ़ने जाती हैं, हम उसे बेला कहते हैं, बेले से चढ़ के आई हैं। और अभी मैं घर चला हूँ, घर जा के फिर जो है वो आपसे गुफ्तगू होगी। आज का जो हमारा व्लॉग था वो इतना ही था। मैंने जो है वो वैसे आमतौर पर जो लगाई जाती हैं सब्ज़ियाँ वो जनवरी के एंड और फरवरी के मतलब के फरवरी और मार्च में भी लगाई जाती हैं लेकिन ये बीज पड़े हुए थे, मैंने जस्ट मैंने कहा कि चलो लगती हैं या नहीं लगती देख लेते हैं, चलो क्या पता लग ही जाएँ और अगर लग जाते हैं तो वेल एंड गुड और अगर नहीं लगते। वैसे ये वो बीज मैंने लगाए हैं जो कि मतलब कि इनको सिर्फ ज़मीन की ज़रूरत होती है, पानी इनको एक दफ़ा भी दे दो ना ये लग जाती है। मतलब कि घिया तोरी, उसके बाद कद्दू और तार और टींडे वगैरह ये मैंने लगाए हैं। वैसे ये आमतौर पे हम सिर्फ मुझे जो पसंद है ना वो घिया तोरी है, कद्दू भी खा लेता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं खाता कुछ भी। और मतलब ये कि वो सब्ज़ियाँ हमने लगाई हैं जो कि खाने अगर मैं हम ना भी यूज़ करें तो किसी और को दे दूंगा। मैंने स्प्रे जो किया था NPK 20-20 फर्टिलाइज़र 20-20-20 मतलब 3 × 20, तो वो आप अगर लेना चाहें तो आप दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं, मैंने दराज से ही मंगाया। उसका फ़ायदा ये है कि ग्रोथ जल्दी होती है और जो रुकी हुई ग्रोथ होती है वो भी जल्दी हो जाती है, ज़मीन मतलब नरम भी हो जाती है और जड़ें जो है जड़ों तक वो लेके जाता है, जड़ों तक जो है वो ज़मीन जो है वो इससे जो है वो ग्रोथ ज़्यादा होती है, फल ज़्यादा देता है। फल जो है वो अगर फूल नहीं रहा होता तो वो फल को ज़्यादा बड़ा भी करता है। है तो वैसे ये नहीं ठीक है लेकिन क्योंकि मेरे पौधों की ग्रोथ बिल्कुल डाउन थी इस वजह से मैंने इसको यूज़ किया है। और आज का मेरा ये छोटा फसला कैसा लगा होगा आपको ये तो मुझे नहीं पता, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। और अल्लाह हाफिज़।